नमस्कार, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। रोजी रोटी की समस्याओं से आजाद शिक्षकों ने दिया ज्ञापन। खबर है चंदौली से, जहां मध्यमिक कृतिहीन शिक्षक महासभा द्वारा शिक्षकों बचाओ आगरा आंदोलन कर जिला विद्यालय का निरीक्षण के माध्यम से प्रधानमंत्री ज्ञापन दिया गया, जिसमें कोविड-19 के प्रकोप काल में वित्तहीन शिक्षकों को 15,000 रुपए शिक्षकों को अनुदान 80 रूप देने की बात कही गई थी। दरअसल कोरोना के चलते तमाम प्राइवेट शिक्षक संस्था बंद चल रहे थे, सरकारी आदेश के अनुसार छात्रों से शुल्क भी न लेना है। ऐसे में शिक्षकों की रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि इन शिक्षकों को सहित विद्यालय का खर्च बच्चों के फीस पर ही चलता था। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पूर्व वर्तमान के सरकार शिक्षकों के प्रति नहीं सोच रही थी, जिससे शिक्षक बड़े आंदोलन के प्रति बाधा होने का विषय उत्पन्न कार्यक्रम के सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। चंदौली से रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। आज आप लोग यहाँ पर धरने बैठे हैं, क्या कुछ मामला है? मामला ये है, मांगे हैं जी, मामला ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 3.5 लाख शिक्षक जो रोजी पाकर के रोटी के लिए मोहताज हैं, ये बेरोजगार हैं। सरकार इस लॉकडाउन की महामारी में कामगार मजदूरों को भी, किसानों को भी, गरीबों को भी, सबको सहायता दी, लेकिन हमारे शिक्षक जो विद्यालय बंद होने के कारण वेतन भी नहीं पा रहे हैं और किसी तरह का सरकार इनको सहयोग भी नहीं कर रही है। इसलिए माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा ने ये निर्णय लिया है कि हम पूरे प्रदेश में यह धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। और इसी क्रम में 18 तारीख को हमने बलिया में ज्ञापन दिया है, 20 तारीख को गाजीपुर में दिया है और आज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हमारे निर्वाचन क्षेत्र का ये तीसरा जनपद है। इस तीसरे जनपद में आज चंदौली का नेतृत्व आदरणीय बनवारी पांडे जी के द्वारा जो किया जा रहा है, इसमें हम सभी शिक्षकों का जो मत है, जो हमारी पीड़ा है, जो हमारा कष्ट है, वो ज्ञापन के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक को हम व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए। हम लोग माध्यमिक विद्यालय शिक्षक महासभा बैठक के लिए आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय चंदौली पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर माध्यमिक शिक्षा में 87% सहयोग दे रहे विद्यालय शिक्षकों को सरकार से आर्थिक मानदेय देने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आज हम सब अपने संगठन के आह्वान पर धरना के तहत बैठे हुए हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि आज उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा में सर्वाधिक रूप से सहयोग देने वाला विद्यालय शिक्षक इस लॉकडाउन के समय पूरे 6 महीने से किसी प्रकार के वेतन या मानदेय से आज वंचित है। उसका भी परिवार है, उसके भी बाल बच्चे हैं और वह आज शिक्षा में जो सहयोग दे रहा है, हमारी सरकार से मांगे हैं कि इस प्रकार की स्थिति में आज सरकार सबको सहयोग दे रही है और शिक्षा में जो सहयोग देने वाले आज शिक्षक हैं, जो किसी तरह से आर्थिक रूप से वंचित हैं, विद्यालयों में फीस नहीं जा पा रही है, प्रबंधक विद्यालय खोल के बैठे हुए हैं, तो उनको आर्थिक रूप से मानदेय कैसे दिया जा सके, इसको सरकार स्वयं अपने स्तर से व्यवस्थित करके प्रति शिक्षक 15,000 आर्थिक मानदेय जो है प्रत्येक शिक्षक को सरकार तत्काल व्यवस्थित रूप से करे। नहीं तो आने वाले समय में यह सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, ये शिक्षक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा जो मिल रहा है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा है, ये समाज को बहुत बड़े चिंतन करने का विषय है। आज हमारे शिक्षक बहुत खतरे में है और जो शिक्षा लेने वाले बच्चे हैं, आने वाले भविष्य में वो भी इस तरह से खतरे से वंचित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम सबको मांग है, आज हम सब जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को,
माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह ज्ञापन देंगे कि प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले इन वित्तहीन शिक्षकों को सरकार 15,000 रुपये प्रतिमाह तत्काल व्यवस्थित करके मानदेय इनको आपदा राहत कोष से दे।